नमस्कार, मैं एक और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। आइए नजर डालते राजधानी की बड़ी खबरों पे। हमारे संवाददाता की विशेष रिपोर्ट। नमस्कार, मैं अर्चना, आपका स्वागत करती हूँ हंगामा टाइम्स में। देश में लॉकडाउन का चौथा चरण शुरू हो गया है, लेकिन आम जनता की जो दशा है वो बस से बदतर है, हालत बस से बदतर है। आम जनता जो आज भी बाहर निकली है, श्रमिक जो निकल रहे हैं, मजदूर जो निकल रहे हैं, वो अपने घर जाने के लिए निकल रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही। स्क्रीन पर आप साफ देख रहे होंगे जिस प्रकार से ये उत्तर प्रदेश के राजधानी का नजारा है, जहाँ पर प्रवासी मजदूर लगातार गुजर रहे हैं और उत्तर प्रदेश की सरकार, दिल्ली सरकार और बिहार सरकार की पोल खोलते हुए जा रहे हैं। प्रवासी मजदूर देखिए किस तरह से बता रहे हैं कि किसी भी तरीके से सरकार द्वारा उनकी मदद नहीं की गई है। तो देखिए एक विशेष रिपोर्ट हंगामा टाइम। अब हमारे बीच में कुछ आम जनता है जो प्रवासियों के लिए, मजदूरों के लिए पानी की व्यवस्था करा रहे हैं। क्या नाम है आपका? विनय मध्य से। तो ये पानी की व्यवस्था प्रवासियों के लिए? जी मैडम। तो कब से कर रहे हैं सारी चीजें? ये आज से ही है। आज से ये हम लोगों ने आज से किया। तो क्या सोच करके आप लोगों ने शुरुआत करी है? अब मैडम ये देख रहे हैं मजदूर लोग पैदल जा रहे हैं, भूखे प्यासे जा रहे हैं, ये हमने उन्हीं लोग के लिए किया, यानी कि मानवता के लिए किया। लेकिन सरकार जो बोल रही कर नहीं रही है, तो क्या कहेंगे इसके बारे में? जी मैडम, इसमें कुछ नहीं कहते हैं। जो है वो जो कर पा रही है वो कर रही है। सारी पॉपुलेशन को एक साथ कंट्रोल करना तो सरकार के बस की नहीं है। इसमें हम जैसे लोगों को भी आगे आके जो है जो हेल्प कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो करना पड़ेगा। तो आज से आप लोगों ने शुरुआत करी है, तो कब तक चलेगी? मैडम देखिए, जैसा जिसका मैं बहुत मिडिल क्लास का आदमी हूँ, जो मेरे बजट का है उस हिसाब से मैं कर रहा हूँ और जितना कर पाऊँगा लाइफ टाइम वो मैं करूँगा। यानी कि एक आम नागरिक हो करके आप लोगों से ये कहना चाहते हैं जितना भी हो सके आम जनता आगे से आगे लोग प्रवासियों की, मजदूरों की मदद करें। जी हाँ जी हाँ, एक दूसरे के कोलेबोरेशन से ही लाइफ चलती है और हमें मदद करनी चाहिए। जो प्रवासी लोग पैदल ही निकल रहे हैं, ऐसे लोगों से क्या कहना चाहेंगे? मैडम किसी के दुख में मैं कहूँ क्या, मैं बस उनके लिए अपेक्षा कर सकता हूँ कि उनके लिए जो जितना बेहतर सरकार कर सके सरकार करे, जो जनता से बन पड़े वो करे। जैसे रास्ते में कहीं उनको पानी की प्यास लगती है तो उनको कोरोना के वो समझ के उनको छोड़ नहीं देना चाहिए रास्ते में, बल्कि हमें पानी दूर से ही उनको देना चाहिए। मतलब एकदम उनके साथ नेगलेक्ट ना करके जो कोऑपरेट कर सकें वो करें। जिस तरीके से आप देख रहे हैं, आप इस समय जो हमारे बीच में आम जनता भी उतर आई है लोगों की सेवा करने के लिए, और हर नागरिक अपना कर्तव्य समझ करके अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है। सरकार से जो बन पड़ रहा है वो तो वो कर ही रही है, लेकिन इस समय आम जनता भी इस क्षेत्र में कूद पड़ी है। कहाँ जा रहे हैं? किस सरकार की तरफ जा रहे हैं? अपनी तरफ से जा रहे हैं। अपने पैसे से जा रहा हूँ। सरकार ने कोई मदद नहीं करी है? तो मदद नहीं किया। कितने दिन के बाद जाने को मिला है? लास्ट में मदद हो रहा है सारा एकदम। सरकार की तरफ से क्या मदद हुई अभी तक? कोई मदद नहीं मिला मैडम। योगी सरकार ने जो बोला था कोई मदद नहीं? नहीं, कोई मदद नहीं किया। पैसे से जा रहे फ्री में? पैसे किसी ने नहीं दिया। पैसे किसी ने नहीं दिया? आप कहाँ से जा रहे हैं? बंगाल। कहाँ जा रहे भैया, कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे? मोतिहारी। मोतिहारी। कहाँ? सरकार व्यवस्था करे, अपने से जा रहे हो? अपने जाने की व्यवस्था लाइन नहीं मिला। सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं कराया? व्यवस्था नहीं मिला। कितने दिन के बाद व्यवस्था हुई है? ये अपने 15 दिन वो लाइन कराया था, नहीं व्यवस्था हुआ था, अपने गाड़ी से करके जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? गोरखपुर जा रहे हैं। गोरखपुर, लखनऊ से गोरखपुर जा रहे हैं। सरकार कब जा रहा है अपनी तरफ से? सरकार ने बस नहीं जा रहा, अपनी व्यवस्था करा के जा रहे हैं। जिस तरीके से आप देख रहे हैं, योगी सरकार ने बोला है मजदूरों को घर पहुंचाने का जिम्मा लिया है, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक कोई व्यवस्था नहीं। लोग अपने ही किराए से अपने ही पैसा लगा के जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? बिहार। बिहार। बिहार जा रहे हैं। सरकार की तरफ से व्यवस्था की अपनी व्यवस्था है? अपनी व्यवस्था है। सरकार ने, योगी सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं करी? कोई व्यवस्था नहीं है जी। बिहार सरकार कुछ भी नहीं किया, सबका रजिस्ट्रेशन हो रखा है, उसके बावजूद भी कुछ नहीं हुआ। पूरे 2 महीने इंतजार करके अपना व्यवस्था। कितना पैसा लगा है? कितना पैसा लगा है? पर बंदा 5-6 हज़ार। कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रास्ता है बताओ? बिहार। कहाँ से आए हैं? दिल्ली से। दिल्ली से। सरकार ने व्यवस्था करी? केजरीवाल सरकार ने? नहीं जी नहीं। केजरीवाल सरकार ने को तो कह रहे थे बसें चलाई हैं। नहीं जी नहीं, कुछ नहीं है। बसें चलाई होती तो गरीब आदमी हमारे साथ थोड़ी होते मैडम। कितना पैसा खर्चा किया है लोगों ने? इन लोगों ने, हम तो जनता सेवा कर रहे हैं जी, हमारे विधायक जी हैं जी। अच्छा, आपके तरफ के? जिस तरीके से सरकार बोलती तो है लेकिन कुछ करती नहीं, चाहे यूपी सरकार हो चाहे दिल्ली सरकार हो, वादे बड़े बड़े करते हैं लेकिन आम जनता के लिए सेवा कुछ नहीं होता। वोट लेना होगा तो घर घर जाएंगे, नमस्कार करेंगे, हाथ जोड़ेंगे, पैर पड़ेंगे, लेकिन जब जनता की सेवा करने का मौका आएगा सब लोग पीछे हट जाएंगे, सिर्फ वादे रहेंगे, और जब वादे होते हैं वो धरे के धरे रहते हैं। कहाँ जा रहे भाई साहब? कहाँ जा रहे हैं?
बिहार। बिहार जा रहे, कहाँ से आए हैं? दिल्ली से। केजरीवाल सरकार ने मदद करी? सरकार ने मदद करी कि अपने घर से जा रहे हैं? अपने घर से जा रहे हैं। केजरीवाल सरकार ने कोई मदद नहीं करी है? नहीं। आप कहाँ जा रहे हैं? सरकार ने कोई मदद करी कि नहीं करी है? नहीं मदद करी, अपने खर्चे जा रहे हैं। केजरीवाल सरकार ने तो बोला तो सबको फ्री में भेजेंगे।